नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बहुत दिनों के बाद दोस्तों इस स्टॉक में आप देख रहे होंगे एक जबरदस्त रैली आई है और एक गजब का बाउंस आया है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों SBI कार्ड की, और आपको याद होगा मैं SBI कार्ड में लगातार कह लीजिए बना रहा हूँ वीडियोस, और जब ये जितना गिरता था मैं हमेशा के कहता था कि ये सपोर्ट ऐसा है कि यहाँ से आपको बाउंस मिलेगा, और कहता था कि प्लीज लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें। ठीक है, प्लीज लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें, क्योंकि काफी अच्छा आपको ये लॉन्ग टर्म में पैसे बना के देगा। और मैंने कहा था कि जो न्यूज फ्लो है वो आती रहेंगी जाती रहेंगी, मेन अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया है, और मैं वर्ड यूज करता था अगर आपने इन्वेस्ट किया है, बिजनेस को समझें, लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटजी समझें, हड़बड़ाइए नहीं, 10-12% के जो भी मैं कहता हूँ गिरावट में आराम आराम से एक्यूमुलेट करें। और आज जो खबर आई है, क्या वो खबर मैं आपको बताऊंगा जिस कारण एक गजब की रैली आई है दोस्तों इसमें, वो क्या है, प्लस SBI कार्ड का जो ये जो न्यूज है उस कारण कहां तक रैली हो सकती है, प्लस क्या ये रैली अब और होगी या सिर्फ न्यूज के कारण रैली आई है, इन तमाम चीजों में बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव वीडियो होगी दोस्तों। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलूंगा शेयर प्राइस की तरफ। 6.49% की दोस्तों इसमें क्या है तेजी, 6.49% की। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं पिछले एक महीने में 9.5% 10% के आसपास की गिरावट हुई दोस्तों। ठीक है, और इसने जो लो लगाया था, बल्कि इसमें तो गलत दिखा रहा है, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। हाँ, इसने जो लो लगाया दोस्तों, देखिए पहला 719, फिर ऊपर गया, फिर नीचे 719, दो बार। और अगर आपको याद हो मैंने कहा था 700 से लेकर के 730 ये जो रेंज है ये काफ़ी तगड़ी है, और अगर जो 716-720 के आसपास मिल रहा है ये एक बहुत अच्छा लेवल है, एक तो फ्रेश एंट्री लेने का, और दूसरी अगर ये आपके 10-12% के अगर दायरे में आ रहा है बहुत अच्छा लेवल है गाइस एवरेज आउट भी करने का। ठीक है, फिर क्या हुआ आज दोस्तों, आप देखिए मैं आपको दिखाऊं, अगर ये रहा स्टॉक और इसने जो 719 में अगर लिए होगे आप, तो देखिए क्या गजब की रैली है, 8% का ऑलरेडी आपको रिटर्न मिल चुका है, 8.15% का। ठीक है, यहाँ अगर आप लिए होंगे लगभग, एक ही कितने का प्राइस है अगर मैं यहाँ आपके बात करूँ कि ये कौन से प्राइस हैं, तो देखिए ये लगभग आसपास 750 के हैं, तो यहाँ से भी आपको ऑलरेडी 4% मिल चुका है। ठीक है, तो देखिए यही है जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहता है ना, वो ऐसे ही रहता है, हर एक रेजिस्टेंस अच्छे रेजिस्टेंस एक अच्छे सपोर्ट में हमें अपने आप से दो सवाल पूछने रहते हैं, भाई क्या ये जो सपोर्ट है क्या ये मेरे रिस्क एपेटाइट को रखता है, और अगर ये मेरे 10-12% की रेंज में है क्या एक छोटा इन्वेस्टमेंट एक और हमें करना चाहिए, अगर आप करेंगे और अगर वहां से रैली होती है आप एक अच्छे नंबर पे हैं। हर उस रेजिस्टेंस में आपको ये पूछना रहता है क्या इस रेजिस्टेंस से मैं अपने आप को निकाल लूं, क्योंकि अगर मैं नहीं निकाल पाया और यहां से वापस गिरावट हो गई तो क्या मैं वो जो कैश रखा हूं उसे मैं होल्ड रख पाऊंगा लंबे समय के लिए। ठीक है, और दोस्तों देखिए न्यूज तो चलता रहता है, क्रेडिट कार्ड का बिजनेस मैंने कहा है इसमें बहुत पोटेंशियल है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है जो आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा मैं, लेकिन अगर आप एक लार्ज वे में देखेंगे बहुत ज्यादा पॉजिटिव है दोस्तों ये। ठीक है, और अब मैं अगर आपको दिखाऊं कि भाई SBI कार्ड में ये जो आज रैली हुई है उसके पीछे का असली कारण क्या है, आप देखें इधर, SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस स्टॉक राइजेस आफ्टर 4 डेज, हियर इज व्हाई, भाई क्यों गया है, इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन है दोस्तों ये देखिए, शेयर्स ऑफ SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विस रोज इन अर्ली ट्रेड टूडे आफ्टर ग्लोबल ब्रोकरेज मॉर्गन स्टैनली मेंटेन्ड अ बाय कॉल ऑन द स्टॉक विद अ टारगेट प्राइस ऑफ रुपीज 1225, दोस्तों 1225 का इन्होंने टारगेट दिया है ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने, और वही रीजन है जो आपको ये तेजी दिख रही है दोस्तों। ठीक है, द न्यू टारगेट प्राइस अमाउंट टू एन अपसाइड ऑफ ओवर 67% फ्रॉम इट्स प्रीवियस डे क्लोज ऑफ 731, द ब्रोकरेज हैज मेंटेन एन ओवरवेट स्टांस ऑन द लार्ज कैप स्टॉक। ठीक है, कह लीजिए जो ब्रोकरेज फॉर्म है उसने ओवरवेट रखा है और लार्ज कैप कंपनी में, और कह लीजिए करेंट मार्केट प्राइस है 67% का अपस्टेक दोस्तों।
ठीक है। नाउ एसबीआई कार्ड स्टॉक हैज गेन्ड आफ्टर 4 डेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव फॉल, द स्टॉक गेन्ड 2.85% इंटरडे टू ₹747 अगेंस्ट प्रीवियस क्लोज ऑफ 7:30। नाउ एसबीआई कार्ड इज ट्रेडिंग लोअर देन 5 डे, 20 डे, 50 डे, 100, 200 ईएमए एवरेजेस। द शेयर हैज लॉस्ट 29.83% इन 1 ईयर एंड हैज फॉलन 19.36% सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर। यानी इतनी निगेटिविटी दोस्तों इस स्टॉक में, आप समझिए कि ये स्टॉक जो है दोस्तों ये अपने 5 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 200 डे मूविंग एवरेज से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। और यही नहीं, एक साल में इसने लगभग 30% का पैसा कमाया, अपना निवेशकों का पैसा कमाया है, और जनवरी से अभी तक लगभग 19.36%। तो देखिए यही होता है दोस्तों, आप मुझे बताइए मॉर्गन स्टैनली ने भैया इसको टारगेट दे दिए कितने, 1225। और वहीं पे अगर आप देखेंगे कि गोल्डमैन सैक्स ने, जो आपको एक गिरावट दिख रही है ना, वो इसलिए दिख रही है कि गोल्डमैन सैक्स ने इसके टारगेट घटा करके 654 कर दिए थे। तो मैं हमेशा यही आपसे कहता हूं कि भाई देखिए, न्यूज फ्लो आएगा, न्यूज फ्लो जाएगा, हमें सिर्फ एक चीज से फोकस रखना है अपने इन्वेस्टमेंट में। हमने अगर किसी स्टॉक में निवेश किया है तो उसके पीछे का रैशनल क्या है, हमने क्या न्यूज फ्लो लेकर के मोमेंटम बाइंग किए कि भाई हाँ मोमेंटम चला, बाय करे, 5-10% की रिटर्न मिले और निकल जाओ स्टॉक से, क्या हमने इसलिए निवेश किया है? या हमने इसलिए निवेश किया है कि भाई अगर हमने यहाँ लिए, अगर गिरावट होती है तो मैं हर 10-12% में या जो भी है सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख करके इसमें एक धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करूंगा, ताकि जब ये स्टॉक एक अच्छा सपोर्ट बना ले उसके बाद जब वो रैली करे तो मुझे उस री रेटिंग, उस एक बड़ी रैली का फायदा मिले। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये जो न्यूज आई है उससे हमको बहुत ज्यादा उत्साहित या बहुत खुश नहीं होना है, ना कह लीजिए ना निराश होना है। हमें ये समझना है कि हाँ हम एक अच्छे ट्रैक में हैं, एक ग्लोबल फर्म ने ये कहा है दिस एंड दैट। लेकिन मैं आपको एक चीज समझा दूं, ना मेरे को कोई ग्लोबल फर्म के बारे में मतलब मुझे सही लगती है इनकी बातें, ना आप कह लीजिए ये वही फर्म्स हैं दोस्तों जिनके रहते रहते 2008 का गोल्डमैन सैक्स का प्रॉब्लम हुआ, जो लेमन ब्रदर्स की क्राइसिस हुई थी। इन लोगों ने सारे बॉन्ड्स को ऐसे ऐसी रेटिंग दे करके, पॉजिटिव रेटिंग दे दे करके इस कदर बना दिया था बाजार को, जो 2008 का कह लीजिए क्राइसिस आया था। इसीलिए मैं कहूँगा इनकी ना रेटिंग में जाएं, हाँ इनकी जो स्टेटमेंट रहती है उन्हें थोड़ा पढ़ें, उनसे देखें, नॉलेज लें, लेकिन हाँ इनके टारगेट पर ध्यान मत दें। इनके टारगेट आएंगे, इनके टारगेट जाएंगे, चीज़ें स्थिति खराब होती रहेंगी। आप देखिए अचानक से ना बड़े बड़े लोग अब ऊपर के टारगेट देने लगते हैं, और जब स्टॉक बहुत ऊपर भाग जाता है ऐसी हरकतें, ऐसी बातें लिखेंगे कि, और ऐसा गंदा टारगेट दे देंगे कि हालत खराब हो जाएगी। तो मैं फिर कहूँगा टारगेट पर मत जाएं, स्टेटमेंट देखें, अगर आपको पॉजिटिव लग रही है, आपको कुछ सीखने मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सीखना सब चीज़ों से चाहिए दोस्तों। ठीक, अब आपको मैं दूसरी चीज़ दिखाऊँ, स्पेंडिंग के ऊपर जो कमेंट आई है, देखिए मॉर्गन स्टैनली सेड इंडस्ट्री स्पेंडिंग विच क्लाइंब 35% ईयर ऑन ईयर, क्योंकि जो इंडस्ट्री है क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री है उसमें 35% का उछाल आया था दोस्तों, किस चीज़ में, ईयर ऑन ईयर बेसिस में खर्चा करने का, यानी क्रेडिट कार्ड से लोग खर्चा कर रहे हैं वो 35% बढ़ा था ईयर ऑन ईयर, लेकिन वो मंथली बेसिस पे, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 6.5% दोस्तों कम हुआ है। क्यों? थर्ड वेव ऑफ कोविड, ठीक है। लेकिन एस बी आई कार्ड होल्डर्स के लिए एक पॉजिटिव ये है, हाउएवर एस बी आई कार्ड पोस्टेड अ लेसर फॉल ऑफ 5.7% मंथ ऑन मंथ एंड अ राइज ऑफ 45% ईयर ऑन ईयर ऑन इट्स स्पेंडिंग। इट ऑल्सो गेन मार्केट शेयर विच इज अ पॉजिटिव साइन फॉर द आर्म ऑफ एस बी आई। दोस्तों कंपनी एवरेज से ज्यादा कहना चाहिए एस बी आई क्रेडिट कार्ड होल्डर ने खर्चा भी किया है, और जो गिरावट आई है मंथ ऑन मंथ बेसिस में वो भी इंडस्ट्री एवरेज से काफी कम आई है। प्लस सबसे बड़ी पॉजिटिव कि एस बी आई कार्ड ने मार्केट शेयर किया है, और यही चीज मैं इतने दिनों से अपने कह लीजिए व्यूअर्स को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये HDFC बैंक का जो कांड हुआ था कि उन्होंने क्रेडिट कार्ड, नया क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करने दिया गया था, उसके कारण आप देखिए जो SBI कार्ड और ICICI बैंक ने बहुत ज़्यादा फायदा उठाया है। और यही रीजन आप देख रहे हैं कि आज जो निकल के आ रही है न्यूज़ कि जो SBI कार्ड है उसका मार्केट शेयर बढ़ा है दोस्तों। ठीक है, फिर मैं यही कहूँगा कि भैया आने वाला समय जो है
वो थोड़ा सा कह लीजिए ऊपर के ऊपर नीचे वाला है, क्योंकि क्रूड ऑयल आप देख रहे हैं बहुत ऊपर है, वित्तीय व्यवस्थाएं बहुत खराब हैं, लोग स्पेंड थोड़ा कम करेंगे, इसलिए आने वाले समय में थोड़ी सी निगेटिव न्यूज़ या थोड़ा सा निगेटिव सेंटिमेंट बनता दिख सकता है। लेकिन और अगर गिरावट होती है, मैं फिर कहूँगा आराम से एक्यूमुलेट करना है, हर 10-12% गिरावट में हमें एक्यूमुलेट का सोचना है। तो अगर ये पूरी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है दोस्तों, यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।